नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। दीपावली पर भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी, शंकर जी, हनुमान जी और माँ सरस्वती जी की मूर्ति को लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज UP24 न्यूज की टीम ने इन मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर श्रीपाल से उनके घर जाकर बात की। उनका पूरा परिवार भगवानों की मूर्ति बनाने में लगा था। श्रीपाल का कहना है उन्हें मूर्ति बनाने से बहुत सुकून मिलता है और कुछ आमदनी का जरिया भी बढ़ जाता है। मिट्टी से बनी ये सारी मूर्तियाँ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और माता सरस्वती जी की हैं, जो कि दीपावली पर होने वाले पूजन में रखी जाती हैं। मूर्ति बनाने वाले कारीगर श्रीपाल अपने परिवार को साथ लेकर इन मूर्तियों को बनाते हैं और इन पर कलर करके उनको सजाकर बाजार में श्रीपाल बेचने ले जाते हैं और उन्हें लोग खरीदकर दीपावली पर अपने घर ले जाकर उनकी पूजा करते हैं। वहीं संवाददाता कृष्णा पोरवाल ने श्रीपाल से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वह इन मूर्तियों को बनाते हैं। 13 दिन बाद दीपावली का पर्व है और इस दिन गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होता है, साथ में भगवान शंकर, हनुमान जी और सरस्वती माँ की भी पूजा की जाती है। इन मूर्तियों को बनाने वाले श्रीपाल जी के घर पर हम मौजूद हैं। आइए हम श्रीपाल जी से बात करते हैं कि कैसे वो इन मूर्तियों को तैयार करते हैं, किस तरह इनको बनाया जाता है। श्रीपाल जी, कैसे आप इन मूर्तियों को बनाते हैं, क्या क्या सामान इसमें? मिट्टी लाते हैं और मिट्टी मार के उसमें सांचे से बनाते हैं, बना के उसको फिर कलर करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, कलर करते हैं। कलर करने के बाद उसकी पैकिंग करके मार्केट में दुकान लगाते हैं, उसको बिक्री करते हैं। किस किस भगवान की आप मूर्तियां बनाते हैं? शंकर है, हनुमान है, सरस्वती है, और हनुमान, शंकर, सरस्वती और दुर्गे माँ की सबकी मूर्तियां बनाते हैं। कब से आप ये मूर्ति का काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? ये दो तीन साल हमें शुरुआत करने, 3 सालें हो गई हमें। जैसे कि आप भगवान की मूर्तियां बना रहे हैं और उस पर कलर करते हैं, कैसा महसूस करते हैं इस समय आप इन मूर्तियों को? अरे, अच्छा लगता है। और हम भगवान को बनाते हैं, अच्छा लगता है कि हमारे भगवान की पूजा हर जगह घर घर होगी, इसलिए हमें उत्साह बढ़ता है, अच्छा लगता है। और क्या महसूस करते हैं? और क्या महसूस, यही है, और हमारा यही धंधा है। हाँ, थोड़ी बिजनेस मिल जाती है 2 महीने के लिए। वैसे तो हम पार्ट टाइम में दूसरा काम करते हैं, लेकिन 2 महीने से अपने इसमें लग जाते हैं तो बिजनेस भी हो जाती है। और करीब कितनी मूर्तियां आप इसमें 2 महीने में बना लेते हैं? आपका होलसेल का भी काम है कि आप अपने लिए खाली बना? देखो, ऐसा है, 2-3 हज़ार मूर्तियां बना लेते हैं तो अपना खुद बेच देते, थोड़ा बहुत बच जाता होलसेल में दे देते हैं, दो एक ग्राहकों को दे देते हैं कि तुम भी बेच लो, ऐसा है। जैसे कि आपने अभी एक बात कही कि इंसान को भगवान ने बनाया है और आप मूर्तियां बना रहे हैं भगवान की, तो क्या लगता है आपको? अरे, हमें लगता है कि भगवान ने जिस कारण हमें सजा बजा के बनाए भेजा है, ऐसे ही भगवान को मैं सजा बजाए कि उसको जो है पूजन करवाते हैं आप लोगों से, सब लोगों से, अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है, चलो हमारे भगवान की पूजा घर घर होगी। श्रीपाल जी का कहना है कि घर घर भगवान की पूजा होती है, जो ये बनाते हैं इन्हें बहुत सुकून मिलता है और साथ साथ इन्हें एक बिजनेस भी मिलता है जिससे इनकी इनकम होती है। शैलेश कुमार के साथ कृष्णा पोरवाल, UP24 न्यूज, फिरोजाबाद।